अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 3। आज ये ईद स्पेशल शो है जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज स्टार्स के साथ, आपके फेवरेट स्टार्स के साथ, जो कि इस ईद के मौके पर स्पेशली हमारे शो पर तशरीफ़ लाएँ आपकी रिक्वेस्ट पर, आपकी फरमाइश पर, और वो ईद सेलिब्रेट करेंगे हम सब के साथ, आप सब के साथ। एंड वी विल सेलिब्रेट दिस ईद विद ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय ब्यूटीफुल को होस्ट शर्मीन अली। बहुत बहुत ईद मुबारक शर्मीन। ईद मुबारक आपको भी आसिम। खैर मुबारक। पहले तो ये बताइए कैसे गुजरे आपके रोजे? रोजे माशाल्लाह से आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोजे बहुत अच्छे गुजरे। रमजान का महीना ही आपको पता है एक बहुत ही बाबरकत महीना होता है। एक्चुअली ये महीना जो होता है ये आपके सोल के लिए होता है, राइट? एब्सोल्युटली। लेकिन इबादत तो बिल्कुल चलती है पूरे महीने, क्योंकि पूरे साल में एक ही हमें ऐसा महीना मिलता है जिसमें हम थोड़ा सा सीरियसली, जो कि क्योंकि हम अपनी रूटीन में इतना बिजी होते हैं, टाइम कभी कभार नहीं इतना निकाल सकते, तो रमज़ान में लगकर सब लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं रमज़ान में इफ्तार भी अपने बहुत इंजॉय करती हूँ। वो तो एक फेस्टिविटी होती है। एब्सोल्युटली। और इस महीने में मैं कोई डाइट नहीं करती, मेरी इफ्तार की टेबल में फ्राइड आइटम्स भरे हुए होते हैं, और रोज़े रखने के बाद ईद के 3 दिन मैं भूल जाती हूँ कि मैं कभी अपनी कैलोरीज काउंट करती भी थी। इतने मज़े के पकवान, मीठी मीठी चीज़ें, डिज़र्ट्स, और वो अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इन 3 दिनों में इजाज़त है। एब्सोल्युटली। एंड आई एम लविंग द स्प्रेड यू हैव ओवर हियर। एंड प्लीज़ डोंट बी टू सरप्राइज अगर आपको मिर्च हो, मैं अपनी प्लेट बना के अपने ये जो आपने अमेजिंग स्नैक्स रखे हुए इंजॉय करती हुई। नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली दिस इज़ फॉर अस एंड फॉर आवर गेस्ट। और आज के शो के बारे में मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ईद का मौका है और आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही थी हमें पूरे रमज़ान में कि भाई ईद शो में आपने इन लोगों को इनवाइट करना है, तो एक बहुत लंबी फहरिस्त थी, तो उसमें से फिर हमने जो हमारे फेवरेट स्टार्स हैं उनसे हमने कांटेक्ट किया, क्योंकि हर कोई रमज़ान में बिजी होता है, तो हमने कहा कि जी चलिए ईद हमारे साथ मनाए स्टार इन स्टाइल के व्यूअर्स के साथ, जो लोग आप पसंद करते हैं इस शो को। तो आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ, सुपरस्टार्स के साथ, जो इस ईद के मौके पर अपनी खुशियां आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एंड आई एम श्योर द गेस्ट दैट वी हैव लाइंड अप फॉर आवर शो टुडे मस्ट रियली लाइक यू अ लॉट, क्योंकि ऑनेस्टली रमज़ान में इतना भागम दौड़ी का महीना गुजरता है कि ईद पे यूजली जो कि करना चाहिए सुबह उठते ही तैयार हो जाते हैं लोग, लेकिन इतनी हिम्मत होती नहीं। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर मुझे शो पे ना आना हो आप लोगों के साथ, अपने गेस्ट के साथ मिलने के लिए, तो मेरे शो के जो 4-5 घंटे वो ऐसे ही लेजी गुजर जाते हैं। ईद का दिन आपको पता है सुबह सवेरे हम लोग जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने, उसके बाद क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने PTV के व्यूअर्स के साथ उनकी खुशियाँ का भी ख्याल रखते हैं, तो हम सब आ जाते हैं बिकॉज दिस इज़ आर फैमिली, और हम सब आज इकट्ठे हुए हैं अपनी फैमिली से दूर ये ईद मना रहे हैं आप लोगों की खातिर। जी, तो आई थिंक हमारे नाज़रीन को और इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, और ना ही हमारे गेस्ट को जो कि इतने अच्छे दिन पे आपके साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। लेट्स जस्ट कॉल देम अपॉन द स्टेज। ऑफ कोर्स। सबसे पहले शर्मीन, मेरे तो बहुत ही फेवरेट स्टार हैं ये, पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं, एंड ही इज़ मल्टी टैलेंटेड। बल्कि आज के शो में मैं ये कहूँगा कि हमारे सारे गेस्ट जो हैं उनके डिफरेंट फेजेस हैं, मतलब दे आर एक्टर्स, दे आर सिंगर्स, दे आर ब्यूटिशियंस, एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं। आई वॉज अबाउट टू से कि मल्टी टैलेंटेड इज़ गोइंग टू बी एन अंडरस्टेटमेंट फॉर आवर गेस्ट टुनाइट। यस, तो मेरे ख्याल में जो हमारे पहले गेस्ट हैं उनको इन्वाइट करते हैं, द वेरी टैलेंटेड, आप सबके फेवरेट, आप उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रहे हैं, एक्टिंग करते हुए भी, सिंगिंग करते हुए भी, सो लेट्स इन्वाइट द वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम जुनैद खान। जी भाई, ईद के मौके पर आपको पता है कि फिर सेलिब्रेशंस होती हैं, फेस्टिविटी होती है। Oh, yes. हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करते हैं क्योंकि ये ईद का मौका है, और ये कैसे हो सकता है कि मेरी एक बहुत ही फेवरेट स्टार उसको मैं इनवाइट ना करूं? शर्मी, आप अपने दोस्तों से ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ही नहीं आप स्पेशली आते कराची अपने दोस्तों से मिलने के लिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि आज जो है मल्टी टैलेंटेड स्टार्स को हम आपके साथ मिला रहे हैं, तो शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फिल्म्स इन पाकिस्तान, शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड। उनका आपने काम मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा है, बहुत ही यंग एज पे शी स्टार्टेड हर वर्क, एंड नाउ माशाल्लाह शी हैज़ मेड हर नेम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। तो इस ईद के मौके पर आपकी ईदी हम डबल कर रहे हैं और उनको इनवाइट कर रहे हैं, सो लेट्स इनवाइट द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड सुपर स्टार उर्वा हुसैन। सजी है कहकशां सितारों
जी nice. बस हमने कहा भाई ईद का मौका है उर्वा, तो फिर पूरे रमजान के बाद रोजे रखने के बाद फिर यू नो हमने कहा कि जी इट्स टाइम, तो खाने के बगैर तो सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकती ना, पकौड़ों के अलावा सब कुछ है। पकौड़े हो गए ना रमजान में बहुत जुनेद, फ्रूट्स, आई थिंक रमजान में पूरे 30 रोजों में पकौड़ों का इनफ हो जाता है राइट, मेरे हिसाब से तो सारा साल पकौड़ा सीजन होना चाहिए है ना, सेम रियली सीरियसली। अच्छा भी रमजान कैसा गुजरा और वो आपका ये बताइए। बहुत अच्छा, बहुत सुकून सा होता है रमजान में, सेरेनिटी होती है। हाँ, और एक मुझे ना जो रूटीन बन जाती है वो बहुत अच्छी लगती है। ओके, आई थिंक अगर अगर हेल्दी हैबिट्स रखी जाएं, ईटिंग हैबिट्स, तो बड़ा अच्छा आपके लिए, एक तो डिटॉक्स होता है और मुझे लगता है कि फिर इफ्तारियाँ होती हैं उन पर इतना मज़ा आता है, आप सब दोस्तों से भी मिलते हो। आई डोंट नो हम पूरा साल शायद उतने डिनर्स या इतने गेट टुगेदर्स करें ना करें, लेकिन रमज़ान में जो है वो इफ्तारियाँ जो हैं उनके थ्रू आप सारे दोस्तों को रिलेटिव्स को मिल रहे होते हो, तो वो बड़े मजे की चीज है। शुरू एग्जैक्टली दैट्स हां सहरीज ऑफ यस, सो हां सो व्हाट डू यू प्रेफर, इफ्तार या फिर सहरी फ्रेंड्स के साथ करना? बोथ या अच्छा, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि नहीं इफ्तार घर में होना चाहिए, सहर के लिए हम क्योंकि घर में होते हैं पिछले खाना खा चुके होते हैं, सहर में चलो निकल जाते हैं फ्रेंड्स से मिलने के लिए। मुझे तो दोनों ही अच्छा लगता है। मैं ज़रा इफ्तार पे, सहर पे कभी कभार तो सहर स्किप ही हो जाती है, सिर्फ वही दही खा लिया बस उसी पे ही कर लिया। ओके, सहर की इतनी ज्यादा मैं खाने पे इतना नहीं करता, लेकिन इफ्तार ही मैं पूरा। तो उर्वा आप जो कह रही थी कि हेल्दी होना चाहिए, अगर हो तो डिटॉक्स हो जाता है, हाउ केयरफुल आर यू व्हेन इट कम्स टू योर इफ्तार एंड सहर? ऐसी कोशिश होती है कि जैसे आप पूरा साल खाते हो, आप सहरी और इफ्तारी में भी उसी तरह खाएं। इफ यू ओवर ईट तो फिर वो जरा आपको तो वो उल्टा बल्कि डिटॉक्स होने के बजाय जो है, और इतनी मजे मजे की चीजें होती है ना, फिर आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि ईद पे आप तो सुबह उठ के नमाज पे चले जाते हो, डू यू टेक योर सन्स अलोंग, क्योंकि ही हैज टू एडोरेबल सन्स, माशाल्लाह। हां, जो बड़ा वाला है वो 8 का है, तो उसको ले गया था, छोटा भी 3 साल का है तो उसको भी लेकिन बड़े को लेके गया था। उसके बाद आके सो जाते हैं जुनेद घर पे या फिर नहीं, उसके बाद घर में चीज बनी होती है, कुछ सेवियां बनी होती हैं, चाट बना होता है, वो ट्राई करते हैं, फिर प्लान करते हैं कभी किससे मिलने जाना है अब। अच्छा सुबह सुबह निकल जाते हैं? सुबह सुबह नहीं, आई थिंक वो ब्रंच टाइप का। हां ब्रंच टाइप है। व्हाट अबाउट यू आफ्टरनून टाइप हो जाता है बाय द टाइम यू एक्चुअली स्टेप आउट, अच्छा आप सबको ईदी मिले और फिर देखें कपड़े भी दिखाने होते हैं और फिर तस्वीरें भी लेनी होती हैं दोस्तों के साथ फैमिली के साथ, तो आई थिंक वो एक फेस्टिविटी होती है। सो आई डोंट स्लीप, मुझे ये नहीं होता कि अच्छा आप सोना है दोबारा, नहीं। तो आप जो सुबह जब घर के मर जा रहे होते हैं नमाज के लिए, उस वक्त जो उठती हो तो देन यू स्टे अप? चांद रात होती है उसमें जो एक इसकी तैयारी, ईद की तैयारियां चल रही होती हैं कि जी कपड़े आपने प्रेस करके रखने हैं, हाँ कि सुबह लाइट हो ना हो, यू नो द इश्यूज दैट वी हैव, और उसके बाद फिर एक उसकी फिर सारी फैमिली जाती है बाहर स्पेशली बच्चों के लिए। हाँ, not only that, last minute shopping भी, do you leave? अच्छा मैं नहीं, I don't, I generally don't shop a lot, but ये है कि एक चक्कर तो लगना होता है बाहर ना, कि रौनक देख कर आए कि क्या लगी हुई है, तो वो बहुत जरूरी है बाहर बाहर से, तो पास से ही, तो आस पास से ज्यादा अंदर के फंस गए, फंस जाते हैं मतलब, हाँ जरा बाजार वगैरह थोड़ा दूर दूर से देखते देखते, लाइक यू टेक, आई डू दैट एटलीस्ट, कि अच्छा थोड़ी ड्राइव हो गई, आपने देखा अच्छा क्या रौनक लगी हुई है, क्या स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो वो बड़े मजे की चीज होती है, आई रियली एंजॉय। कभी जुनेद बेगम ने कहा है कि चले चांद रात है मुझे मेहंदी लगानी है लेके चले? बेगम तो बेगम तो काम ही होता है, चांद रात पे नहीं लेके गए, उस वक्त नहीं लेके गए, ये अपनी लेके गए, तो फिर ड्यू टेक नहीं नहीं ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, वही बात है कि सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बिल्कुल मैं लेके जाता हूँ, मैं कौन सा, मुझे आराम करने का वैसे भी इतना खास शौक नहीं है, तो मुझे भी बहाना चाहिए होता है बाहर निकलने का, बच्चों को ले गए, मिसेज को ले गए, तो आई हैव फन एज़ वेल, आई एंजॉय इट। हाउ वंडरफुल इज दैट जी। चलिए इसके साथ ही हम अपनी पहली ब्रेक लेते हैं, ये स्पेशल शो ईद के मौके पर आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम दो सुपरस्टार्स के साथ, कुछ और स्टार्स हैं जो ब्रेक की उस तरफ हैं, सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। And then if somebody like kind of you know backstabs you in a way, then you're like, मतलब आपने सोचा भी नहीं था। हर पल यू ही आओ मिलकर गाएं हम सारे, अब ये तराना दुनिया को है दिखाना, हमसे है ये ज़माना, तारों का जहां हर रंग जमा, खुशी का है ये पल।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ हैं उर्वा और जुनैद खान जी। तो अब इस ईद के मौके पर हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि इतनी हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई आपने इन स्टार को ज़रूर इनवाइट करना है ईद शो पर, और ये आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ है जी। और ये जो हमारी स्टार हैं शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, जैसे कि मैंने ओपनिंग में कहा कि आज हमारे स्टार्स जिनको हमने इनवाइट किया है दे आर मल्टी टैलेंटेड, दे आर एक्टर्स, दे आर सिंगर्स, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर ब्यूटिशियंस। तो ये जो एक एलिमेंट है ये हमारा आज इस शो की खास बात है शर्मी। आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट कर दी है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम यू कॉल योर नेक्स्ट गेस्ट जी। सो लेट्स इनवाइट द गॉर्जियस, द सुपर टैलेंटेड, द सुपर स्टार आयशा उमर। Oh, thank you. What a fabulous song. And what wonderful lyrics, Aisha. I wrote them myself. Wow. Really? Yes. Wow. Thank you guys. Bada special gaana hai ye. Jo iske lyrics hain. Haan. Bada personal gaana hai mere liye. Haan. Iski inspiration kahan se aayi aapko? Yeah, actually Baba Bhule Shah is one of my favorite Sufi poets and unka ye sher na har koi yaar nahi hunda bulya kadi kaliyan beh ke sochte sahi. ये मैंने अपने घर में एक ट्रे पे प्रिंट कराया हुआ है। ओह वाओ। सो दैट आई कैन सी इट एवरीडे। बिकॉज़ आई वाज द सॉर्ट हु यूज्ड टू ट्रस्ट इन पीपल वेरी इजी। हर किसी को दोस्त बना लिया, हर किसी के साथ चीजें शेयर कर ली। एंड ओवर टाइम आई रियलाइज्ड नो, नॉट एवरीबॉडी इज योर फ्रेंड ब्रो। बैठ के सोचो। दैट्स ट्रू। व्हाट? वेरी ट्रू। यू आर माय फ्रेंड एंड यू ही इज द वन गिविंग मी दिस एडवाइस। देखो आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट यू नाउ। बट उर्वा द वे ही इज मेंशनड योर नेम इट सीम्स लाइक देयर इज एन इनसाइड स्टोरी हियर। मे बी उर्वा आल्सो यूज्ड टू ट्रस्ट इन पीपल इजीली। फिर आता है वो बट आई मस्ट एलैबोरेट के आसिम ने ये क्यों किया उर्वा, बिकॉज आई एम समबडी लाइक मुझे लगता है कि जितना मेरा दिल साफ है तो सबका ही उतना ही है। मुझे भी यही लगता है। आई एम वेरी एम्पैथेटिक आल्सो, आई विल गो एन एक्स्ट्रा माइल एंड आई विल जस्ट, मतलब आपने सोचा भी नहीं, इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई ये कर सकता है। हां हां, बिकॉज़ आपका दिल साफ होता है ना, तो आसिम इज ऑलवेज गिविंग मी दोस एडवाइसेस। ये गाना मैंने अपनी बर्थडे पे लिखा था। बर्थडे से एक हफ्ता पहले मैं हुंजा जा रही थी अपनी बर्थडे ट्रिप पे, तो फिर मुझे ख्याल आया कि यार इतनी खूबसूरत जगह जा रहे हैं, कुछ शूट कर लेते हैं वहां। ओके, सो जल्दी में मैंने ये लिखा, जल्दी में रिकॉर्ड किया एंड वी शॉट द वीडियो देयर। सो यू सेइंग दिस सॉन्ग वाज व्हाट डन इन अ वीक, 3 डेज। ओह वाओ, आई मीन उस पे फिर पोस्ट में हमने काम किया, बट कंपोजिशन राइटिंग इट वाज अ प्रोसेस ऑफ 3 डेज एंड देन रिकॉर्डिंग वाज 1 डे। प्रोड्यूस किया है एलेक्स शबाज ने, बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया। एंड बिकॉज मैं काफ़ी हाउस म्यूजिक सुनती हूँ, आई गो टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक फेस्टिवल्स, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करनी थी। आई वॉन्टेड सम मीनिंगफुल उर्दू लिरिक्स एंड एलेक्स हेल्प मी एंड अ लिरिसिस्ट ही ऑल्सो हेल्प मी, उन्होंने भी हेल्प की, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो मेरा था। वर्ड्स में कुछ वर्ड्स मुझे नहीं समझ आते, बिकॉज देर नॉट प्रोसेस, देर नॉट लाइक माई काइंड ऑफ वर्ड्स, माई लैंग्वेज, आई वॉन्ट माई लैंग्वेज द वे आई टॉक, राइट? बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, जो लिरिक्स हैं वो सीधे आपको दिल को छूते हैं। एक स्ट्रक्चर मुझे, मैंने उनको बताया कि मुझे ये शेर तो चाहिए, फिर उसके अराउंड हमने ये किया, फिर मैंने वर्ड्स चेंज किए। सो हाउ वंडरफुल। अच्छा जी, ईद का मौका है आयशा, ईद कैसे सेलिब्रेट करती है मुझे ये बताइए। ईद तो मैं अम्मी के साथ होती हूँ, सो अम्मी है साथ, कभी मैं लाहौर जाती हूँ, कभी वो कराची आती है, कराची आई हुई है। ओके, एंड हम जा रहे हैं, मैं परसों आई एम लीविंग द कंट्री। ओके, हाँ, तो अम्मी घर होंगी पीछे से, पर अम्मी के साथ होती हूँ। Okay, how wonderful. Because we were discussing food before you came. Yeah. I just want to know if you ever have a cheat meal. On Eid, do you allow yourself a cheat meal? There is no cheating. Cheating tab hoti hai when you don't like what you're eating. Yeah. And right? Yeah. So then True. You want to cheat. True. But I love what I eat. So main cheat kya karungi? So you're not tempted by anything? No. Over here on the table? Not at all. I mean, hey. Yeah, I am. I can eat the fruits. The carrot sticks. The carrots, the kiwi, the oranges, olives. olives, hummus, ये सब खा लूँगी। You know, honestly, I was so happy when Asim told me that he has you coming over tonight because I knew के दो दिन की overeating के बाद if there's anything that can you know push me back to my routine, it's seeing Aisha. I mean, I do
cheat a little bit, thoda bahut bites idhar udhar, but that's only was zaike ke liye. Everything I eat kheer, I eat sawaiyan. Oh, lovely. Aur eat pe jo hai sawaiyan to bahut zaruri hai because meethi eat pe maza nahi aata. Lekin mujhe naan aur mujhe ye matlab ke biryani mirchon wali nahi. I love biryani. I don't like biryani. I like pulao. I like pulao. I like main roti bajri ki khati hu, bahut achhi lagti hai. Haan, to pai mein rohni naan na dubya hai. Nahi, main roti bajri ki roti se pai kha leti. I love payas. I love them. Chale ji, hamari Eid hum celebrate kar rahe hain itne pyare stars ke sath. We'll take a short break aur break ke us taraf kuch aur gupshup, kuch music aur kuch baatein. अपना स्क्रीन सोशल मीडिया टाइम क्वार्टर करना चाहती हूँ. व्हाई? बिकॉज़ इट्स वेरी अननेसेसरी एंड इट्स अनहेल्थी एंड इट्स गिविंग मी अ लॉट ऑफ इश्यूज. इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मेरे लिए फिल्म का एक्सपीरियंस जरा नया था और बहुत अच्छा था. क्योंकि टेलीविजन में वो एक जरा स्किल लिमिटेशन है टेलीविजन की. एक्चुअली कभी कभी दिल चाहता है कि आप थोड़ा कभी एक्सपेरिमेंट करने को भी दिल चाहता है किचन में, तो कभी वो अच्छा जाता है कभी यू नो. जैसे दरिया का पानी जीवन दे उसे, दरिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी तारों का जहां हर रंग जमां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. और हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्तों के साथ, बहुत बड़े स्टार्स के साथ. तो ब्रेक से पहले जो हम बातें कर रहे थे ईद की, और ब्रेक में जो एक हंगामा हुआ और केक के ऊपर आपका दुपट्टा गिर गया और उसके ऊपर फिर सालसा गिर गया. लेकिन बचा तो. अच्छा ये बताना था सबको, मैं तो ऐसे बन के बैठ गई ना कि कुछ खाने को दिल कर रहा. मैं तो ऐसे हो गई कि कुछ भी नहीं हुआ. और ईद का मौका है यहाँ पे. आई थिंक ईद पे तो ऐसे एक्सीडेंट्स होते ही होते हैं, अनअवॉइडेबल है राइट. व्हेन यू आर सुबह सुबह कपड़ों पे कुछ ना कुछ गिर जाते हैं. आई कांट रिमेंबर कि कभी ऐसा हो ईद पे मैं शीर खा रही हूँ वो मेरे कपड़ों में ना एक आधा. ईद मेरे रोज गिरते हैं. आपको सबको बिप पहनने चाहिए. डिजाइनर बिप होने चाहिए. I have a bib in the car. अच्छा. मैं गाड़ी में खा रही होती हूँ तो बिब है मेरी पूरी. That's not a bad idea. ऐसे बनती है. कपड़ों का ध्यान रखना पड़ता है. सारी बात है शूटिंग्स में जा रहे होते तो बिल्कुल. अच्छा जी, व्हाट वी हैव डन इज हमारा एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट होता है. इट्स वेरी एंटरटेनिंग. वी हैव गॉन ऑन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और उस पे हमने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. हमारी पिक्चर्स आपके आपके प्रोफाइल पे जो आपके पिक्चर्स हैं, तो आप हमें बताइएगा उनके बारे में. Aisha. This picture was taken the day I was shooting the song that you heard. Oh wow. Pakistan. Acha. Har koi yaar nahi. Is the video out? Yeah, it's on YouTube. Yes. Oh, it's a beautiful video. You'll be like ye kahan hai? Ye jannat hai. Really? Okay. I swear. Gonna go check it out. This is abhi just a week ago in Dubai. I was in the desert. You were kehne laga tha it's a desert. Aur full moon tha us din. Badi special raat thi. Okay. Kyunki Jupiter, Venus aur Mars jo hain wo are closest to the earth right now. Okay. And full moon bhi tha. So sare conjunction mein the. Nazar bhi aa rahe the sare. Haan, and naked eye se aapko Jupiter aur Mars aur Venus bhi nazar aa rahe the. Aligned the. Aligned the. Kyunki Shab-e-Barat bhi thi is raat. Okay. Imagine. उड़ जाए
फैबुलस प्रोफाइल. अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं किसका है. ओह वाओ, जुनेद. सही, फिर भूल रहा था जरा पिकडिली सर्कस. अच्छा, चक्कर लंदन जा रहे थे. लंदन या ठंड भी काफी थी, लेकिन अच्छी ठंड थी. मजा आ रहा. Ooh, oh, very ये भी आई थिंक ये कैंपटन मार्केट के आसपास कहीं में घूम रहा था. Who took the shot? आमना. I was about to ask. दोस्त है. Do you ask like passerbys to? कभी-कभार passerby, हाँ कभी वो भी होते, कभी दोस्त साथ होते तो उनको कहते हैं. अच्छा, आप खुद भी अपना फोन रखे. Plus you have to tell them कि यार इसको ये ऐसे करना है, इसको ये करना है. सीखना पड़ेगा. Timer लगा के. There has to be a lot of detail. ये कहाँ की? दुबई की सड़कों में घूम फिर रहा था. अच्छा जी, ये वीडियो की ये घोड़ा भी जो है ना लिटरली स्माइल कर रहा था. दिस इज लाहौर. या ओके, पोलो पोलो ग्राउंड. या पोलो. ओह हाउ स्वीट. मम्मी लव. ये मदर्स डे पे मैंने अम्मा को फ्लावर्स दिए थे. वाह जी वाह, फैबुलस. सो हाउ एक्टिव आर यू ऑन सोशल मीडिया? A bit too active for my really? Own good, and I want to stop being that active. Why? मैं अपना screen social media time quarter करना चाहती हूँ. Why? Because it's very unnecessary, and it's unhealthy, and it's giving me a lot of issues. Achcha. Neck, eyes, shoulder, and physical, to some extent, and mental anxiety also, right? Yeah. Okay. कभी कबार it can happen. What मैंने कम किया है. मैंने लोगों की stories देखनी बंद कर दी है. अच्छा, फजूल में. oh, okay. कौन क्या कर रहे है. बिल्कुल. अनलेस इट्स समथिंग आई वांट टू सी, लाइक यू नो सम मोटिवेशनल स्टफ. और स्क्रोलिंग कम करना तो चाहती हूँ मैं बहुत. अच्छा अच्छा, आई रिसेंटली रियलाइज कि वाकई हमें आदत हो गई है बहुत ज्यादा फजूल में. और आपको ना 15 मिनट बाद रियलाइज होता है कि व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग. द वर्ड यू यूज इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट्स अननेसेसरी. इट्स अननेसेसरी. हां, मुझे ना बैठे हुए आप यू नो इवन इफ यू टेल योरसेल्फ नो आई एम गोइंग टू पुट माय फोन असाइड, 2 मिनट्स लेटर यू हैव इट इन योर हैंड अगेन. एंड आई एम हैंडलिंग 3 अकाउंट्स. मेरे ब्रांड का भी अकाउंट है, और भी है, सो वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया. ओके, तो आई रिमेंबर आशा ने जब अपना सिंगिंग करियर शुरू किया था वेरी लॉन्ग टाइम बैक, तो इस्लामाबाद में आई सेड कि प्लीज़ आ जाओ, मेरे एक फैशन शो था. तो मैंने कहा प्लीज़ कम ओवर एंड सिंग अ सॉन्ग. तो उसमें वो पहला सॉन्ग था आई थिंक किसी साउंड ट्रैक का था, किसी प्ले का था. तो हो वो था, बिल्कुल गाया था. बिल्कुल. अच्छा जी, अब ईद का मौका है तो ऑब्वियसली ईदी देंगे आप हमें. हाँ, ईदी तो दी है ना आप सबके लिए. ये सारी एंटरटेनमेंट अलग होता है और ईदी अलग. अच्छा, ईदी जो है आप आयशा और जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो आपसे बड़े हों वो ईदी देते हैं, ऐसे ही है ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, यहाँ पे उम्र की बात तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, पर ये है कि अब आयशा ईदी दे रही है हमारे. ऐसे कुछ 6 महीने बड़े होंगे मुझसे. हाँ बिल्कुल, जारी बात है. जिस स्कूल में आप थी तो आप मेरे ख्याल में आप मुझसे एक स्टैंडर्ड सीनियर थे. सीनियर. लेकिन देखिए, अगर 1 महीने में बड़े हुए तो बड़े तो हुए. अच्छा जी, अब ईदी जो है वो आयशा दे रही है हमारे व्यूअर्स को. अच्छा, एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग की शक्ल. हाँ जी बिल्कुल, और वो एक कवर सॉन्ग है ये जुनेद. नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल में ब्रेक के बाद. बहुत ही अच्छा गाते हैं. हाँ बहुत, जुनेद की भी बहुत बड़ी फैन हूँ. ओके, कब हमें सुनाएंगे हम सब. लेकिन जुनेद की टर्न आने वाली है, इतना रिलैक्स होके मत बैठे आप. बिल्कुल, तैयारी कर ले आप. मैं तो वैसे बातें करने आया था. मैं नहीं नहीं बातें करने नहीं आया. हाँ बहुत अच्छा गाते हैं. मैंने कभी नहीं गाया किसी शो में. बस दोस्ती में इंसान को आपको पता है कुछ नहीं करना. वी मस्ट क्लैप फॉर आयशा. ब्यूटीफुल. दुनिया की लहरों से
डरना क्या तेरे इश्क में जो भी तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी कालियां बूरियां कुंडियां बालियां कालियां बूरियां हो हो कालियां बूरियां कुंडियां बालियां तेरी जुगाली करने वालियां जैसे दरिया का पानी जीवन दे उसे दरिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो तौर पे छोटी ईद की इतनी जो फेस्टिविटी होती है इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आता है फिल्म का बड़ा कैनवस है उसमें एज एन एक्टर भी आपको बहुत मार्जिन मिलता है जो चीजें आप टेलीविजन में नहीं कर सकते आप फिल्म में कर सकते हैं सो मैंने उस कैरेक्टर में सब कुछ किया एंड आई लाइक्ड व्हाट आई डिड ईद पे खास तौर पे हम देखते हैं कि अ लॉट ऑफ फैमिलीज डू गो आउट एंड एक क्या हमारे मुल्क में जो है वो दो ही एंटरटेनमेंट्स हैं एक आप फिल्म देखने जाओ और एक खाना फिर से वही हम खड़े बसी हिम्मत नहीं इतना मुश्किल नहीं है फिर तो मंजिल को पाना आगे बढ़े हर पल यूं ही आओ मिलकर गाएं हम सारे अभी ये
जी नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक इन कॉन्वर्जेशन विद अ ब्यूटिफुल गेस्ट टुनाइट. आप सब लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक. And before we went on the break, your beautiful, what a fabulous amazing song. Performance. Oh my God. You know, Aisha, no exaggeration, break me, the first thing I did was look up your song on YouTube and I added it to my playlist. Oh, that's how amazing one? It is. Tere Ishq, the one that you just sang. Amazing. Thank Wonderful. You. Very nice. अच्छा जी, अब ईद का मौका है तो एक और मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त उनको आपने इनवाइट किया है, क्योंकि आपको पता है कि वो हमारे शो का हिस्सा भी रही हैं, मेरे साथ होस्टिंग भी करती रही हैं और मेरी बहुत ही अच्छी क्लोज़ फ्रेंड हैं. और ईद के मौके पर आपको दोस्तों के साथ आप जब सेलिब्रेट करते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि आपकी फैमिली की तरह बन जाते हैं, एंड शी इज़ वन ऑफ दोज एंड शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड. उनको हम घसीट कर ले आए हैं, वो अपनी फैमिली के साथ ईद मना रही थी. मैंने फ़ोन किया कि आप पहुँचो यहाँ पर हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ आप ईद मनाएँ. सो लेट्स इन्वाइट द ब्यूटिफुल सुपर टैलेंटेड नादिया हुसैन. नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ईद आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं. बच्चों को घर पे छोड़कर, अपने मियाँ को छोड़कर आप यहाँ पर आई, तो पीछे शोर वगैरह हो रहा था? नहीं, अब उन लोगों को आदत हो गई. और तो पता है कि आसिम भी बहुत इम्पोर्टेंट फिक्चर है. हाँ बिल्कुल, पार्ट ऑफ फैमिली. तो फिर अब जब फैमिली है तो फिर फैमिली को ना कैसे करें. ऑफ कोर्स, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जब हम उनके साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उनकी खुशियों में हम शरीक हो रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ईद कैसे गुजर रही है मुझे ये बताइए नादिया. ईद बहुत अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह. वैसे तो गर्मियाँ जो हैं वो जो इस पीक पर पहुँची हुई हैं, तो रोज़ों की जो एक मुश्किलात थी उसके बाद ईद जो है ना, वो लगता है कि हाय, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, टाइम टू रिलैक्स. लेकिन आपका घर में सुबह, यू नो, विद योर किड्स एंड ऑल, कितने बजे आपकी नमाज के लिए सारे बच्चे जाते हैं विद योर हस्बैंड? लड़के जो हैं वो जाते हैं. हाँ. उसके बाद फिर जो एक फैमिली के जो मिलना मिलाने का जो एक सिलसिला शुरू हो जाता है, सुबह शुरू हो जाता है. बिल्कुल, सुबह से जो है वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं. फिर अप्रॉक्सीमेटली 12 एक बजे तक जो है वो हम लोग निकल जाते हैं. फिर मिलना मिलाना कहीं किसी के घर, यू नो, ये लंच तो वो लंच, तो फिर ये चुटपुट, तो यहाँ चुटपुट करते 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 जो है वो. हाँ, पर नादिया बच्चे बड़े हो गए. हाँ. So you don't have to dress them up. नहीं. You don't have to, है ना? नहीं. अब वो खुद कर लेते हैं. अब वो बिल्कुल खुद कर लेते हैं, लेकिन फिर नखरे भी जो हैं वो उनके ऐसे ऐसे बर्दाश्त करने होते हैं. हाँ, ड्रेस अप तो खुद कर लेते होंगे, लेकिन जो उनके कपड़े बनाती हैं वो तो आप ही बनाती होंगी बाजारों में जाके. बिल्कुल, जो जो खरीदना और वो, यू नो, एक थीम के मुताबिक करना, वो सारी चीजें जो है वो डिसाइड. लेकिन ये एक बड़ा, मुझे लगता है खासतौर पर छोटी ईद की इतनी जो फेस्टिविटी होती है इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आता है. ये और हमारे सारे गेस्ट कितने अच्छे लग रहे हैं. एक सही, जिसको कहते हैं, जो ब्लिंग ब्लिंग है ना, तैयारी नजर आ रही है, ईद की तैयारी. बिल्कुल, हाँ, ऑफ कोर्स. और सबके कपड़ों में गोटा है. हाँ, दैट्स लवली, है ना? नहीं, बल सीक्वेंस. सीक्वेंस, ओके. बट सभी ब्लेमिंग है. मेरे लिए तो इट्स बिकॉज़ ऑफ़ द शो दैट आई हैव ड्रेस्ड अप, वरना मैं घर में बहुत रिलैक्स होती हूं. अच्छा, नहीं, मुझे नया कपड़ा पहनिए, लेकिन यू नो, सिंपल कॉटन के. आई डोंट लाइक टू वेयर वेरी हेवी क्लोथ, बट आसिम के शो में मैं पूरी तैयार हूँ, जैसे कि हम शादी में जा रहे हो ही नहीं सकता. नहीं नहीं, बहुत अच्छा. और मेरा तो बहुत, हमारी जो यूजली ईद होती है, अब पिछले कुछ अरसे से तो हम लोग अपने पीटीवी के व्यूअर्स के साथ मना रहे हैं, बट जो एक टिपिकल एक फैमिली का हमारा प्लान होता है कि वी सेलिब्रेट आर ईद एट आ विलेज. तो वो एक गांव में पूरा एक हमारी एक ट्रेडिशन है कि जी, जो हमारी हवेली है उसमें सुबह सबका नमाज पढ़ के जब सब लोग आते हैं तो एक फैमिली ब्रंच होता है. तो सारे जो ताया की फैमिली है, रिश्तेदार हैं, दे कम, और पूरी उसकी अरेंजमेंट होती है. और सारे हम लोग वहाँ पर जी ब्रंच करते हैं. और वो, और फिर उसके बाद एक दो दफ़ा जी पोलो मैचेस हुए, बिकॉज ऑल माय कजन्स एंड नेफ्यूज दे आर पोलो प्लेयर्स. तो ये आप लोग एक रात पहले चले जाते हो? हम लोग तो 3-4 दिन पहले चले जाते हैं. तो वहाँ पे फिर, यू नो, इट्स लाइक अ हॉलिडे. ओनली फॉर मीठी ईद या फिर बकरीद पे भी आप लोग? हाँ, बकरीद के एक और होते हैं, वहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ती है उस वक्त, उसके कुछ और होते हैं. हाँ, लेकिन होती विलेज में ही. हाँ, होती विलेज में ही. हाँ, पर ये कि पिछले कुछ अरसे से हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं, तो दिस इज माई न्यू फैमिली.
अच्छा, ऐसा स्टेपल कोई आइटम जो ईद पे बनना ज़रूरी हो आपके घर में, क्योंकि आपके हस्बैंड और बच्चों को वरना ईद ना फील होती हो? एक तो हलीम और दूसरा शीर खुरमा, बस ये दो चीज़ें तो स्टेपल हैं फॉर श्योर। हाँ ओके। अच्छा, कि आई फील कि जिस तरह से मेरे बचपने में हम लोग ईद के लिए जो सुबह निकलते थे, ननियाल में भी एक डिनर है, ददियाल में डिनर है, अब वो नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। एक दो कजन्स हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री आल्सो। आप लोग का भी वही फैमिली सिस्टम है कि लंच पे एक फैमिली इकट्ठा हुई हुई है डिनर पे, या फिर इंडिविजुअल हाउसेस पे यू जस्ट गो एंड मीट योर फैमिली? नहीं, अमूमन जो है वो फैमिली जो है वो इकट्ठी हुई भी होती है। मेरे इन लॉज की तरफ एक है जो हमारी जो सबसे जो बड़ी हैं, तो उनके घर पे सारी जो फैमिली होती है वो इकट्ठी होती है फॉर लंच टाइम। और फिर जो डिनर होता है वो फिर मेरी मदर की साइड की तरफ फिर डिनर होता है। तो वो उसमें ये होता है कि मेरी खाला, फिर मेरी जो कज़न्स के कज़न्स हो गए, फिर कुछ मेरी मदर के कज़न्स वगैरह, मेरे अपने कज़न्स, मदर के कज़न्स, यू नो। तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली लाइक 8-10 लोग तक तो आराम से हो जाते हैं। How amazing is that, Nadia? Yes. अच्छा, तो उर्वा, ईद पे मौके पे आपको पता है मूवीज भी चलती हैं, आपने एक मूवी प्रोड्यूस भी की है और उसका क्या फैबुलस फीडबैक मिला कि अभी पिछले कुछ अरसे तक लगी रही है वो जी। तो मुझे प्लीज उसके बारे में बताइए कि आपको एज अ प्रोड्यूसर कैसा एक्सपीरियंस था टिश बटन? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखा है जी। और अगली की तैयारी है वैसे। मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि आई रिमेम्बर व्हेन यू केम फॉर योर, जब आपकी मूवी रिलीज हो रही थी, यू केम फॉर द मूवी एंड यू टोल्ड मी दैट इट वाज वेरी हार्ड, इट वाज अ डिफिकल्ट जॉब। क्योंकि बीच में फिर कोविड आ गया, फिर वो एक मतलब आप रिलीज नहीं कर सक रहे हो, वरना वंस इट्स रिलीज्ड इट्स काइंड ऑफ इट गेट्स आउट ऑफ योर सिस्टम एंड यू आर लाइक अच्छा नाउ इट्स टू द ऑडियंस। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस ऑफ कोर्स बन गया था, लेकिन ये है कि बनती रहनी चाहिए फिल्में। और ईद पे खास तौर पे हम देखते हैं कि लॉट ऑफ फैमिलीज डू गो आउट एंड एक क्या हमारे मुल्क में जो है वो दो ही एंटरटेनमेंट है, एक आप फिल्म देखने जाओ और एक खाना खाना। तो फिल्में बनती रहनी चाहिए। इस ईद पे आयशा की एक फिल्म आ रही है, बल्कि आज रिलीज हो रही है। अच्छा, टू फिल्म्स। अच्छा, प्लीज उसके बारे में बताइए। एक तो है मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी है वो तो बहुत एक एनसेंबल कास्ट के साथ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, रियली एक्साइटिंग फिल्म एंड इट्स कॉमेडी एंड एज यू ऑल नो आई हैव अ सॉन्ग इन दैट आल्सो। अच्छा, वेरी स्पेशल डांस नंबर इन इट। अच्छा, बहुत मीनिंगफुल। ओके, लवली। क्योंकि टूटी फ्रूटी के बाद बिटवीन द लाइंस, लाइक टूटी फ्रूटी के बाद अब ये आया है। यस, ओके। कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है मेरा। ओके, हां, सो बड़ा मजा आया एंड द क्रू एंड कास्ट, यू नो, फैसल कुरैशी और मानी और मिकाल और शायान और फवाद के साथ मेरा काम नहीं था। ओके, किरण, सो सेट वाज द सेट एनवायरनमेंट वाज रियली लवली। ओके, और दूसरी जो फिल्म है कामरान शाहिद की जी, वो पार्टीशन ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की। हाँ, तो उसमें क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो इतना वो प्लॉट को रिवील कर देता, तो वो उसको बिल्कुल पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया मेरा और शमून का और अली खान का जो कैरेक्टर है, क्योंकि हम आते हैं इंटरमिशन के बाद पूरा in the dark side of the film. Okay, because like it's romance and there's a lot of political situation. Okay, we bahut achhi film. Okay, how wonderful. Usme bhi mikal hai. Achha, chaliye ji, we wish you all the best. Is tarah hum chahte hain ki filmein jitni zyada banengi log dekhne jaye. Uska naam hai Hoy Tum Ajnabi. Hoy Tum Ajnabi. And this is Money Back Guarantee. Money Back Guarantee. अच्छा, मनी बैक गारंटी से याद आया कि आपकी फिल्म्स भी आई थी पिछले दिनों। It was a very good experience. मेरे लिए फिल्म का एक्सपीरियंस जरा नया था और बहुत अच्छा था, क्योंकि टेलीविजन में वो एक जरा इसकी लिमिटेशन है टेलीविजन की। फिल्म का बड़ा कैनवस है, उसमें एज एन एक्टर भी आपको बहुत मार्जिन मिलता है, जो चीज़ें आप टेलीविजन में नहीं कर सकते आप फिल्म में कर सकते हैं। सो मैंने उस कैरेक्टर में सब कुछ किया। आई लाइक व्हाट आई डिड, बट नाउ आई वाज हैप्पी। नाउ दैट यू हैव डन बोथ, इफ यू हैड टू चूज वन, which one this question Charmaine and this question she always makes me choose why one choose you choose television or film jaise wo question is singing or acting films or tv acting and hosting agar there's only one to love na ho fir कोई भी एक्टर टेलीविजन ना करे, सब फिल्में कर रहे हो, सब फिल्में इतनी रेगुलर बन रही हो तो ओके, इट मेक्स बिगर वेव्स ना। एंड नाउ दैट यू डन विद योर वन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट, आर यू थिंकिंग अबाउट अनदर वन? यस, आई एम वर्किंग ऑन वन ऑलरेडी, तो हम उसके स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं अभी। ओह लवली, वाओ, वी मस्ट क्लैप फॉर ऑल। नाइस, आई थॉट यू वुड वांट टू टेक अ ब्रेक, यू नो, गो स्लो।
I mean, yeah, it is a slow process anyway. So you have to begin. But you started it all. Because on paper also, when you work on script, it's quite a process. Shooting is a very tiny bit of it. Yeah. Really? So that whole process that starts, so that it goes. Yeah, it goes. Chale ji, iske saath we'll take our next break. And hamare saath itne pyare stars, itne pyare guests, itne pyare dost. Aap sabko Eid Mubarak. We are celebrating Eid. We'll take a short break. कम खाती हूं बीफ कम खाती हूं ओके बट ईद पे यार आई लव कोरमा आई लव हलीम वैसे तो मैं कढ़ाई बना लेता हूं दाल बना लेता हूं आलू को आलू चिकन सालन गोश्त नहीं बनाया अभी तक आलू चिकन सालन बना लेता हूं अंडे हर किस्म के बना लेता हूं एक्चुअली कभी-कभी दिल चाहता है कि आप थोड़ा कभी एक्सपेरिमेंट करने को भी दिल चाहता है किचन में तो कभी वो अच्छा जाता है कभी यू नो बेबसी हिम्मत नहीं इतना मुश्किल नहीं है फिर तो मंजिल को पाना आगे बढ़े हर पल यूं ही आओ मिलकर गाएं हम सारे अब ये वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और आप देख रहे हैं कि ब्रेक में भी हमारी बातें चल रही थी और आयशा वहां से उठकर सेंटर में आ गई हैं क्योंकि अब एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है एंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग एंड इट्स वेरी म्यूजिकल और जी ये सेगमेंट ये है कि माइक्स हम आपको देंगे जी और जो आपके दिल में गाना आएगा वो आपने गाना है देखिए हमारे दिल में गाना नहीं है ये आपने फरमाइश की थी तीनों ने गाना है फरमाइश की थी आपको पता नहीं किसका चेहरा देखना है और चेहरे इतने खूबसूरत हसीन चेहरे आपके इर्द-गिर्द आपने और किसके देखने अच्छा अच्छा तो ये लेकिन ये तो सबसे फेवरेट जो है ना वो आसिम यार टिवाना के जो है ना यही है नाजिया ज़ुहैर आई लव दिस सॉन्ग जो ऑल टाइम फेवरेट इट्स माय फेवरेट सॉन्ग चलिए सब गाएंगे तो आपकी फरमाइश पे हां जी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छी ट्रीट जरा चेहरा तो दिखा और थोड़ा सा मुस्कुराओ Hey
सपनों में मेरी जान, तेरा मन मेरा मन तेरा मन यूं ही मिलता है। अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सरच है रातों दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सरच है रातों दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। Fabulous, fabulous. Thank you, Asim. आसिफ मुझे लगता है आपको अपनी म्यूजिक टीम को ना सेट का हिस्सा बना लेना चाहिए। हाँ, वो जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, मैं कहती हूं उनके भी म्यूजिशियंस उनके शॉर्ट्स बनने चाहिए। हाँ, और ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ी ईदी थी। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के उस तरफ आ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। रेड मीट थोड़ा कम खाती हूँ, बीफ कम खाती हूँ। ओके, बट ईद पे यार आई लव कोरमा, आई लव हलीम। वैसे तो मैं कढ़ाई बना लेता हूँ, दाल बना लेता हूँ, आलू चिकन सालन, गोश्त नहीं बनाया अभी तक, आलू चिकन सालन बना लेता हूँ, अंडे हर किस्म के बना लेता हूँ। एक्चुअली कभी कभी दिल चाहता है कि आप थोड़ा कभी एक्सपेरिमेंट करने को भी दिल चाहता है किचन में, तो कभी वो अच्छा जाता है कभी यू नो। बसी हिम्मत नहीं, इतना मुश्किल नहीं है फिर तो मंजिल को पाना, आगे बढ़े हर पल यूं ही, आओ मिलकर गाए हम सारे अब ये तराना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आपको बहुत ईद मुबारक। और आपको पता है कि जब दोस्त आए हों तो ब्रेक्स में भी बातें चल रही होती हैं, और इस वक्त आयशा एक बहुत बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है जो तो यादों के दरीचे में कुछ हमने फिगर आउट किया कि हम एक ही स्कूल में थे, लेकिन मैं फोर्थ ग्रेड में वहाँ से चली गई थी और ये फिफ्थ में आए थे, और हम एक ही एज ग्रुप में थे। अच्छा, एज ग्रुप। Isn't that amazing? It's amazing. What about you, Junaid? आप कुछ ऐसा होता है कि ईद के मौके पे आप कहें चलो मैं किचन में चलता हूँ, मैं आज कुछ बनाऊँ? मैं कभी कभार कर लेता हूँ ऐसा। ओके। और कोई इसमें कोई स्पेशल ओकेजन का नहीं होता, किसी भी टाइम कभी भी दिल किया तो। तो क्या है आपकी स्पेशलिटी? या स्पेशल, वैसे तो मैं कढ़ाई बना लेता हूँ, दाल बना लेता हूँ, आलू चिकन सालन, गोश्त नहीं बनाया अभी तक, आलू चिकन सालन बना लेता हूँ, अंडे हर किस्म के बना लेता हूँ। लेकिन आपके घर पे ईद की दावत पे आएंगे तो हम अंडे तो नहीं खाएंगे। आप क्या खाएंगे? कढ़ाई बना लीजिएगा, साउंड्स लवली। 15 मिनट में बनती है। ओ वाओ। अच्छा, और पराठे बना लेता हूं मैं, पराठे रोटियां सब। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, आप क्या बना लेती हैं? Putting you on the spot once again. Once again. आप ये वो है ना कि I make reservations in the restaurant. That's good one. नहीं, लेकिन मेरा भी ऐसे है जुनैद की तरह कि अगर ओकेजन जरूरी नहीं है, अगर दिल कर रहा है तो आप कभी भी बना सकते। एक्चुअली कभी कभी दिल चाहता है कि आप थोड़ा कभी एक्सपेरिमेंट करने को भी दिल चाहता है किचन में, तो कभी वो अच्छा जाता है कभी यू नो। तो लेकिन ये है कि ईद पे अगर कभी कुछ बनाया है तो वो खीर बनाई है, वो मुझे आसान लगती है।
तो वो मैं बना अच्छा, हाँ, wonderful. और आशा आप तो बहुत ही कोई strict diet food type का बना लेती हैं. हम लोग भी समझते हैं. आशा समझ नहीं पा रहे हैं. नहीं, मैं सब खाती हूँ. अच्छा, सब खाती हूँ. वेजिटेरियन. ओके. मैं रेड मीट थोड़ा कम खाती हूँ. बीफ कम खाती हूँ. ओके. बट ईद पे यार आई लव कोरमा, आई लव हलीम. और मीठा? मीठा मीठा खाती हूँ, लेकिन अब जो मतलब गाय के दूध के बजाय आमंड मिल्क और ओट मिल्क में बनती है खीर या सेमिया, शीर खुरमा. एंड ग्लूटेन फ्री हम यूज करते हैं सेवैया. अच्छा. एंड गुड़ का इस्तेमाल होता है मेरे घर में. तुम क्योंकि मेरी अम्मी एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माय मॉम. She cannot have these things. Okay. So हमारे घर में सारे चीजों के healthy substitutes हैं. Okay. How wonderful. Everyone in your family eats. Everyone is the same. Healthy. I was the last one to become healthy. Okay. और जैसे कि आयशा ने कहा कि अगर कराची में काम नहीं होता तो she flies down to Lahore. हाँ. अपनी अम्मी के साथ ईद गुजारने के लिए. जुनेद और नादिया की तो फैमिलीज हैं. What about you? अगर आपका यहाँ पे काम हो रहा है तो then what do you do? How do you go about it? आप अम्मी और मावरा से कहते हैं कि आ जाए इधर कराची. वो भी आ जाते हैं. और कभी वैसे दो तीन दिन पहले तो काम हो जाता है, खत्म हो जाता है. हाँ, जो भी आपकी रिकॉर्डिंग और सब कुछ होता है वो. तो फिर हाँ, आई ऑल्सो फ्लाई डाउन टू लाहौर. तो इस तरह होता है. और अभी जो जो अच्छी बात है, मजा ही फैमिली के साथ, फैमिली के साथ आता है. और उर्वा जो इसकी मैं वीडियोस और स्टोरीज देख रहा होता हूँ, ये सुबह सुबह उठ के ना 7 बजे अपनी बालकनी की और समुंदर की और उसकी लगा रही होती है. राइट. मॉर्निंग बर्ड एंड आई लव वाचिंग द सनराइज. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. ओह, सनसेट. आई एम अ सनराइज पर्सन. ओके. तो मुझे लगता है मेरा दिन बहुत अच्छा फिर गुजरता है, मजा आता है मुझे. चलें जी, बहुत शुक्रिया. ईद का मौका है आप सबके लिए. हमने ईदी के तौर पे कुछ गिफ्ट्स लिए हैं. फाइनली आसिम जी, आसिम से हमें ईदी मिल रही है. मैं काफी देर से इनसे ईदी मांग रही थी कि भाई ईदी दें, ईद तो है. हाँ, ये मुसर्रत मिसबा की तरफ से गिफ्ट बॉक्स आपके लिए ईदी है. ये क्या है इसमें? और ये उर्वा आपके लिए. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. और नादिया ये आपके लिए. जुनेद के लिए ये बॉक्स ये हैवी है, मैं साथ ये आपके लिए है. यू वांट टेक दिस एंड आई टेक दैट. ले लो यार, और नादिया दिस इज फॉर यू, फॉर माय स्पेशल फ्रेंड जो कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आई है ईद मनाने. दिस विल गो विद यू. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत ही मज़ा आया. हमारी ईद तो दोबारा हो गई इतने प्यारे स्टार्स, इतने प्यारे चेहरों के साथ. योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, आपको कैसा लगा हमारे साथ ईद मनाकर? मुझे हमेशा मज़ा आता है पीटीवी के साथ ही और आपके साथ. बहुत आई नो कि एक बहुत एलिगेंट शो होगा और बट बातें भी अपनी हम करेंगे. वी विल कैच अप. आई रियली लाइक इट. थैंक यू सो मच. और उर्वा, ऑलवेज अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. मुझे वाकई फील नहीं हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग में बैठा हूँ. अच्छा. मैं जैसे घर में बैठा हूँ तो लाउंज में कैजुअली बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लगे जैसे मैं कैजुअली मेहमानों से बात कर रहा हूँ. हाँ, मुझे तो यू नो अंदर से जो ना मेरी एक वो डायन जाग जाती है. फिर ऑल ऑफ अ सडन मैं कहती हूँ नहीं, अभी आज इस वक्त शो पे नहीं. आप मेरे हाथ से भूल जाती है कि आप टेबल के उस पार बैठी थी, इस पार नहीं. हाँ, लेकिन ईद का शो है ना, इस वजह से आसिम की कुछ थोड़ी बहुत मैं बहुत क्लास लेती हूँ. नहीं नहीं नादिया, थैंक यू सो मच. हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब आप ईद के मौके पर सारे दोस्त इकट्ठे हों, मिलकर सेलिब्रेट करें. उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये ईद की खुशियाँ उतनी ही अच्छी लगी होंगी जितनी हमने आपके लिए हम सब इकट्ठे हुए और ये सेलिब्रेट किया. और जाने से पहले एंड पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जुनेद खान को जी कि वो अपना एक स्पेशल सॉन्ग जो है वो परफॉर्म करेंगे. वो हमारा फिनाले होगा, मगर उससे पहले आपसे हम इजाज़त चाहेंगे शर्मीन की तरफ से और मेरी तरफ से. आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से एक रेगुलर शो के साथ हम हाजिर होंगे. अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 3 ओनली ऑन पीटीवी होम. खुदा हाफिज. और जुनेद प्लीज.
ही है समा फिर से वो ही सिलसिले फिर से वो ही इंतहा फिर से वही हम खड़े दिल में बसी हिम्मत नहीं इतना मुश्किल नहीं है फिर तो मंजिल को पाना आगे बढ़े हर पल यूं ही आओ मिलकर गाएं हम सारे अब ये तराना खुशी